मध्य प्रदेश सीरीज के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अनलॉक 4 के गाइडलाइंस आते ही हमने दिल्ली से अपना सफर शुरू किया ओरछा के लिए। रास्ते में हमने देखा और आपको दिखाया झांसी फोर्ट। एपिसोड 7 में हमने आपको ओरछा घुमाया और उसका इतिहास बताया। इस एपिसोड में हम आपको अपने साथ ले जाने वाले हैं चंदेरी। जी हाँ, चंदेरी, जहाँ की सुंदर साड़ियाँ बहुत मशहूर है। चंदेरी साड़ियों का इतिहास करीबन 800 साल पुरानी है। मुगल शासन के दौरान चंदेरी का ये कपड़ा सबसे प्रचलित हुआ था। फिर ब्रिटिश राज में ये अपनी पहचान धीरे धीरे खोने लगी थी। पिछले कुछ वर्षों में इसने फिर से भारत में अपनी जगह बनानी शुरू की है। ये साड़ी का कलर दिखा सकते हैं भैया, किस कलर का? लाइट पिंक। अच्छा, ये उल्टा साइड है डेफिनेटली। कितना टाइम लगता है इन साड़ियों को बनने में? 15 दिन होती है। 15 दिन में? अभी कब से बना रहे हो? 4-5 दिन। 4-5 दिन हुए। तो ये पल्लू है या ये बॉडी है? नहीं, पूरी साड़ी है। पूरी साड़ी ऐसी ही होनी है, ऑल ओवर ऐसी होनी है। और ये सिल्क ही है ना? टोटल सिल्क है। चंदेरी साड़ियाँ 3 तरह का होता है। प्योर सिल्क या फिर सिल्क बाय सिल्क कहते हैं, चंदेरी कॉटन जिसे प्योर कॉटन या फिर कॉटन बाय कॉटन भी कहा जाता है, और तीसरा होता है सिल्क कॉटन जिसे सिल्क बाय कॉटन कहा जाता है। मोटिव्स में हमें देखने को मिलता है अशर्फी, फूल पत्ते, मोर या फिर ज्योमेट्रिक डिजाइंस। सो चंदेरी में जो हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में फर्स्ट स्टॉप है, दैट इज ऑफ कौशक महल। ये काफ़ी यूरोपियन एंड इंडियन मिक्स ऑफ आर्किटेक्चर मुझे लग रहा है। आप लोग देखो, शायद आपको भी लगेगा। तो चलो देखते हैं इसको और करीबी से, इसका हिस्ट्री वगैरह सुनो। आई होप कि अच्छा लगेगा। कौशक महल को मलवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी ने कालपी के युद्ध में महमूद शड़की को हराने के बाद विजय स्मारक स्वरूप बनवाया था। दूर से जो मुझे यूरोपियन आर्किटेक्चर जैसा लग रहा था, पास जाके मुझे समझ आया कि छत ना होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था। ये जगह पूरी तरह से इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ये जगह फोटोग्राफी के लिए मस्त है, एकदम इंस्टाग्राम वर्थी प्लेस है, अमेजिंग। कौशक महल हो गया, अब नेक्स्ट स्टॉप है बादल महल। वहाँ से निकल के हम बादल महल गए तो थे, लेकिन वहाँ पे एंट्री टिकट्स है एंड अनफॉर्चुनेटली सर्वर डाउन है एएसआई का, हम टिकट्स नहीं ले पाए तो हम एंटर नहीं कर पाए। तो जो हमें देखना था चंदेरी सिटी के अंदर, जो लास्ट थिंग हमारा बचा था, दैट वाज द चंदेरी का किला। सो अभी हम जा रहे हैं चंदेरी का किला देखने के लिए। यहाँ पे आई गेस कोई टिकट नहीं है, क्योंकि अगर टिकट होता तो अगेन काफी प्रॉब्लम्स हैं, बट लोग तो एंटर कर रहे हैं। चंदेरी भारत के उन जगहों में से है जिसका उल्लेख महाभारत में पाया जाता है। शिशुपाल चंदेरी के राजा थे महाभारत काल में। आज चंदेरी का किला बस एक संरक्षित स्थान के रूप में ही रह गया है। चंदेरी फोर्ट का मुख्य द्वार खूनी दरवाजा के नाम से जाना जाता था।
चंदेरी किला के अंदर हम जा रहे हैं खूनी दरवाजे की तरफ, और ये सच में किसी भूतिया जगह पे लग रहा है, जंगल में भरा हुआ। चंदेरी के किले में कुछ खास देखने को नहीं है। किले से निकल ओरछा जाने से पहले हमने एक बार और बादल महल के लिए ट्राई किया। सर्वर अप था और हमें टिकट्स मिल गई। So finally made it inside बादल महल। नेट चल गया, इनका सर्वर अप हो गया था एंड वी कुड गेट द टिकट्स एंड वी आर इनसाइड दिस। बादल महल में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये गेटवे है जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा है, और इसके पीछे से चंदेरी का किला दिखता है। लेट मी शो यू, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। That's the Chanderika Kila and here is Badal Mahal ka gateway. आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। प्लीज इसे शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Until next time, bye bye.